ये रिश्ता क्या कहलाता है? वे गुड न्यूज़ है। जी हाँ, लेकिन ये गुड न्यूज़ कब कैसे हो गई पता ही नहीं चला। पॉइंट की बात ये है, अबीरा जो है वो प्रेग्नेंट है। नहीं 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 आई नो योर थिंकिंग, कब कहाँ कैसे हाउ इज इट पॉसिबल, यही सब तो हम भी सोच रहे हैं। देख रहे हो ना विनोद, आजकल क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। खुशखबरी आ गई है भाई, खुशखबरी आ गई है। और ये खुशखबरी अबीरा ने अरमान को दी है, क्योंकि वो माँ जो बनने वाली है। अब आपको ना इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए जो सामने है वही है। अरमान को भी इस बात का एहसास हो गया है कि वो अबीरा से प्यार करता है, इसीलिए अपना संगीत वंगीत सब कुछ छोड़कर वो अबीरा के पास आ गया है और उससे इजहार मोहब्बत कर रहा है। अबीरा भी ये देखकर बहुत खुश है कि चलो अब मेरा प्यार मुझे मिल गया। अब इनकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी, दोनों की शादी भी हो गई और अबीरा माँ भी बनने वाली है। वाह क्या नजारा है, काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। जी हाँ, अगर ऐसा होता तो, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। ये तो अबीरा का सपना है जहाँ पर वो देख रही है कि अरमान उसके पास आया है, दोनों एक हो गए हैं और इन दोनों की प्यार की निशानी जल्द ही इस दुनिया में आने वाली है। बहुत ज्यादा लो पॉइंट पर हूँ और मैं सोच रही हूँ की अरमान बस यहाँ आ जाए। मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद अरमान आया। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो वो पहली बार नहीं होते, दूसरी बार दरवाज़ा खोलती हूँ तो अरमान होता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। फिर मैं देखती हूँ कि उसके पैर में चोट है, मैं दवा वगैरह लेने जा रही होती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद वो मुझे रोक लेता है और वो कन्फेस करता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मेरा रिएक्शन ऑब्वियसली इतना इतना खुशी वाला पल था वो, कि मतलब मैं रोने लगती हूँ, हंसने लगती हूँ, वो भी रोने लगता है, हंसने लगता है। और फिर एक पॉइंट पर ये सुंदर सपना टूट जाता है। सपना था तो बुरा तो लग रहा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमेशा के रियलिटी बन जाए बस। अब ये सपना हकीकत में कैसे बदलेगा? अब अबीरा ये घर छोड़कर चली गई है, तो ऐसे में अरमान को अबीरा की याद आएगी, और क्या अबीरा की याद अरमान को उसके पास ले आएगी? हम जानते हैं ऐसा जरूर कुछ होगा, और जो सपना अबीरा ने देखा है वो पूरा भी होगा। ABP News, आपको रखे आगे।